सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हूँ माजुली, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट आइलैंड है, जो कि रिवर आइलैंड है, माजुली में हूँ। और हम लोग कल आए थे बोकाघाट से तेजपुर, और तेजपुर से वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट फ्लाइट, जो कि हम लोग फ्लाई करके आए लीलाबारी नॉर्थ लखीमपुर एयरपोर्ट, और वहाँ से हम लोग आए माजुली। तो रुकने का प्लानिंग नहीं था, लेकिन कुछ टाइम का इधर उधर होने के कारण हमें माजुली में रुकना पड़ा। तो आज हम लोग जाएंगे कमलाबारी घाट, वहाँ से निमाती घाट, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग चले जाएंगे बोकाघाट। एंड गाइस, हम लोग आए थे कल लखीमपुर से, जो कि नॉर्थ लखीमपुर से धुनागुड़ी घाट बोल के वहाँ पे घाट है, वहाँ से हम लोग आए थे एक फेरी पकड़ के डायरेक्टली माजुली। ठीक है, तो माजुली से ये जो अभी हूँ गौरमूर सारियाली के पास, एक बैम्बो होटल है, एक्चुअली कॉटेज है ये। ठीक है, तो कॉटेज के नाम सारा कुछ दिखाते हैं, क्या है नेम और कहाँ पे है, इसका लोकेशन भी बता दूंगा, प्राइस क्या है वो भी बता दूंगा, होटल का एरिया। आप लोग आते हैं माजुली गौरमूर तो आप लोग सर्च करेंगे तो चीपेस्ट प्राइस में ये होटल दिखेगा। ठीक है, तो ये भी चीपेस्ट प्राइस का ही है, आपको देखने से नहीं लगेगा कि ये चीपेस्ट प्राइस है, क्योंकि इसका जो मतलब जो बनावट है, ठीक है, उससे आपको नहीं लगेगा कि ये चीपेस्ट है। तो ये चीपेस्ट ही है एक्चुअली, तो मैं इसका प्राइस ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। पहले रूम दिखा लेते हैं आप लोग, तो तब तक आप लोग गेस कीजिए कि ये कितना तक हो सकता है एक्चुअली। तो चलिए फटाफट रूम टूर कराते हैं, और जो बाउंड्रीज है, ठीक है, और जो होटल का बाहर से सारा कुछ दिखाएंगे। सो बने रहिए वीडियो पे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, एक कॉमेंट, और साथ में यदि यूट्यूब इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गो करते हैं आज का वीडियो शुरू, सो बस वीडियो पे बने रहें। सो गाइस, होटल का यानी कि कॉटेज का जो फ्रंट है, यानी कि जो एंट्रेंस है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, देखिए ये भी बांस का बना हुआ है, और साथ में नेम हम एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसे आप लोग गूगल पे या तो फिर किसी भी होटल साइट पे आप लोग सर्च करते हैं, तो ये फ्रंट सीन जो है दिखाता है, ये साइकिल है। और आप लोग देखिए जो नेम है, रिसोंग फैमिली कॉटेज, ठीक है, ये बैम्बो कॉटेज है। तो अभी थोड़ा रूम टूर कराते हैं। तो ये है देखिए, पूरा बैम्बो से बना हुआ, और नीचे पानी है, ठीक है, और ऊपर जो है वो हमारा कॉटेज यानी कि घर। सो रूम दिखाते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूम हैं, और ऐसा और भी रूम है, इससे ज़्यादा प्राइस का भी रूम है। ठीक है, तो हमारा जो रूम है इसका नाम है देखिए केटेकी, यानी कि केटेकी, जो कि आसामिस में एक फ्लावर होता है केटेकी, तो उसी के नाम से हमारा रूम है। और रूम के बाहर देखिए यहाँ पे सोने के लिए भी जगह दिया गया है। तो एक बार जो कि आप लोगों को ट्राई करके भी दिखाते हैं, बस इस तरह से सो जाइए आप, ठीक है। और यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए एक जगह दिया हुआ है, और साथ में कुछ पेड़ पौधे हैं फूलों का, इधर भी है। और ये हो गया हम लोगों का रूम, तो रूम में अरुंदा सनंदा बैठा हुआ है, और दिब्बा अभी भी सोया हुआ है। फैन है, सीलिंग फैन भी है, यानी कि पंखा, और ये नॉन एसी रूम है, ठीक है। और चार्जिंग के लिए एक बोर्ड है जहाँ पे मल्टीपल प्लग्स लगा हुआ है, आप लोग चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे बेड है, दो लोग आराम से सो सकते हैं, और ये सिंगल वाला। और यहाँ पे एक ये भी बैम्बू का बनाया हुआ है, जहाँ पे आप लोग अपना बैग, चश्मा, कपड़ा, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। नीचे है एक कंबल, और ये हो गया बाथरूम, ठीक है। तो बाथरूम भी बस अच्छा खासा ही है, ये सवार का है, और ये हो गया आपका पॉटी करने का जगह, और ये हो गया आपका, ठीक है। सो दिब्बो अभी भी सो रहा है, दिब्बो गुड मॉर्निंग, मुक्कन दिखाई दिया भाई, हाँ। देखिए गाइस, ये पूरा मिट्टी का है, और यहाँ पे कुछ आर्किटेक्ट भी किया हुआ है, मिट्टी का है या ओके, ये लकड़ी का है, यहाँ पे मिट्टी में घुसा के मतलब कुछ बनाने की कोशिश किया है। तो हम लोगों का एक रूम का प्राइस पड़ा है 700 रुपीज़, ठीक है, तीन लोग हैं, 700 रुपीज़ पड़ा है। और दो रूम हैं, यहाँ पे दो फैमिली है हमारे साथ ही आए थे, चंदंदा का फैमिली और राम का फैमिली, तो दोनों हैं अभी अंदर। तो और हम लोग तीन यहाँ पे रुके थे, और रूम का जो प्राइस है वो 700 ओनली, सिर्फ 700 रुपया में, ठीक है। और अच्छा फैसिलिटी के साथ है, आपको वाटर बॉटल्स वगैरह देते हैं पीने के लिए, और यहाँ से आप लोग खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप होटल से ऑर्डर करना चाहते हैं तो होटल से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज चाराली है या तो फिर एक पॉइंट है, वहाँ पे जाके भी आप अपना जो खाने का चीज़ है वो खा सकते हैं, या तो फिर रूम में भी ला के खा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ से फ्रेश होके निकलेंगे कमलाबारी,
और एक दो हॉट शो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माजुली जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है, नदी द्वीप है। तो यहाँ पे फेमस ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि आसाम का लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि बस गांव ही है और बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा हॉट शो है, ठीक है, लाइक ए नामघर। तो वो देखने के लिए कोशिश करेंगे एक दो, ठीक है। और बाहर से आते हैं जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए देखने का बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि एक विलेज लाइफ देख सकते हैं एंड एक नदी द्वीप में इतना बड़ा एक शहर बसा हुआ है, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट है माजुली। तो वो देख सकते हैं कि एक नदी द्वीप में जो कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो चीज़ देख सकते हैं, जान सकते हैं, घूम सकते हैं, एक विलेज लाइफ को देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए, तो मुझे भी इतना मालूम नहीं है कहाँ पे क्या है एक्चुअली। तो मेरा ये सेकेंड टाइम है, एक बार आया था बस ऐसे ही आके बाइक लेके निकल के चला गया था, लेकिन इस बार स्टे हुआ है। तो इस बार थोड़ा घूमने की कोशिश करेंगे, हम लोग जाएंगे कमलाबाड़ी, कमलाबाड़ी में भी हॉट शो है, कमलाबाड़ी हॉट शो, तो वहाँ पे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग कमलाबाड़ी घाट से निमाटी घाट जाएंगे। और दिब्बो उठ गया, क्या हुआ दिब्बो? गुड मॉर्निंग माजुली। और यदि कल का वीडियो नहीं देखा है, वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट जो कि आप फ्लाइट चल सकते हैं ओनली 300 में, यदि आपका लक अच्छा हो आप 150 रुपये में भी टिकट बुक कर सकेंगे, ठीक है। तो कल का वीडियो यदि नहीं देखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो में जाके चेक जरूर कीजिएगा। सो गाइस चलिए अभी फ्रेश होके चलते हैं कमलाबाड़ी और फेरी में सफ़र करते हैं। सो गाइस आगे हमारा पूरा पलटन जो है, पूरा ग्रुप जा रहे हैं, और यहाँ से ऑटो टोटो या तो फिर मैजिक टाइप का इस टाइप का मिल जाता है आपको ट्रेवल करने के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग ऑटो पे बैठ गए, अभी दो हॉट्रो देखेंगे जो कि जो फेमस है, ठीक है, आसाम का जो फेमस हॉट्रो है अवनियाती हॉट्रो, वहाँ पे जाएंगे। और जो कमलाबाड़ी में एक हॉट्रो है जो कि दक्षिण कमलाबाड़ी हॉट्रो, वहाँ पे भी देख के एक बार चले जाएंगे घाट में। तो चलते हैं, खाते हैं आप लोगों को आसाम फेमस अवनियाती हॉट्रो। सो देखते रहिए, मेरा भूख लगा है अभी। सो गाइस अभी हम लोग है कमलाबाड़ी, यानी कि उत्तर कमलाबाड़ी हॉट्रो है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और इधर भी है। सो हम उत्तर कमलाबाड़ी जो हॉट्रो है उसके अंदर जा रहे हैं एक बार दर्शन करने के लिए, उसके बाद जाएंगे असम का सबसे बड़ा हॉट्रो, यानी कि असम में ही है हॉट्रो, तो हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट्रो कह सकते हैं जो कि अवनियाती हॉट्रो, ठीक है। तो वो इसके बाद जाएंगे, तो यहाँ पे जूता सैंडल को खोलते हैं और चलते हैं अंदर। उत्तर कमलाबाड़ी अवनियाती हॉट्रो जो है दर्शन कर लिए हैं, अभी जाएंगे असम का सबसे बड़ा हॉट्रो अवनियाती हॉट्रो, जहाँ पे सबसे बड़ा यानी कि इतना बड़ा तुलसी गाछ जो होता है, तुलसी आपने नहीं देखे होंगे, इतना बड़ा तुलसी का जो है पिलर है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं यहाँ से अभी और अवनियाती हॉट्रो पे। सो एक चीज़ देखने को मिला है, देखिए ये रहा। तो आगे हमारे गांव में भी ऐसा होता था, लेकिन आजकल कम गया है, और कमने का कारण यही है पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण। देखिए गाइस आ गए हैं फेमस अवनियाती हॉट्रो, और अंदर इतना वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, सुना हूँ तो पता नहीं क्या दिखा सकूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवनियाती हॉट्रो, अब आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप, और ऐसा कुछ मार्केट है, और हमारा पलटन जो है पूरा आगे। एंटर
कट गए हैं और यहाँ पे एक जो कि लिखा हुआ मिला है, माची देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। पता नहीं अंदर दिखा सकूँगा या नहीं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन कैमरा और बहुत जगह में जो कि अलाउड नहीं होता है। यदि अलाउड होता है तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे, तो अलाउड नहीं होता है तो बस मन से ही आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के लिए भी प्रे करेंगे और मेरे लिए भी। और देखना हो तो स्वयं जो है आप लोग प्रकट हो जाइएगा वर्ल्ड फेमस यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली में। और माजुली में देखने लायक एक ही जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है वो हो गया हत्रो। ठीक है, तो चलते हैं अभी अंदर। इधर है टू नामघर, टू म्यूजियम, टू लेबोरेटरी। इस साइड है मेन नामघर हत्रो। सो गाइस, ये जो है देखिए कितना एक बड़ा तुलसी जो है गाछ है, तुलसी होता है ना, तुलसी गाछ, देखिए कितना बड़ा है, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना बड़ा है ये, मतलब चार पांच लोग भी ऐसे यदि पकड़े तो नहीं होगा। वाह, कृष्णा प्रभु भगवान। सो गाइस, ये है मेन, ठीक है, आउनियाटी हत्रो का। देखिए आप लोग, तो मैं ज़्यादा लाउडली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा शांत है और यहाँ पे लाउडली बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। ऐसा जो शिष्य देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटे से लोग यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, यहाँ छोड़ के ऐसे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, जो लर्निंग होता है, जो यहाँ का कल्चर होता है, जो सत्र का जो कल्चर होता है, ठीक है, पूरा सिखाया जाता है। और भी बहुत सारा कुछ है जो कि मैं नहीं जानता, यदि आप गूगल करेंगे तो ज़रूर जानेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे रह के हम पढ़ भी सकते हैं, और ये जो आपका जो कल्चर है तो उसके बारे में आप जान सकेंगे, यहाँ पे रह के पढ़ सकेंगे, पूरा लाइफ आप यहाँ पे गुजार सकते हैं अपना। ठीक है, तो अंदर गया था तो हमने दर्शन किए, आप लोगों के लिए भी प्रे किए। तो बहुत बड़ा एरिया है आउनियाती हत्रो, ठीक है। और भीतर जब जो डोबा जो बजा था तो इतना सुकून मिला, मेरा पूरा रूह जो है मतलब ये हो गया था, कब गया था, पूरा मेरा रोंगटे खड़ा हो गया था। वो फीलिंग जो है मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, जब आप लोग आएंगे, सुनेंगे, जो फील करेंगे, जब दर्शन करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये रहा मेन जो हत्रो है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ शिष्य है आगे खड़ा हुआ, तो चल के थोड़ा बात करते हैं। आहो खेती, आहो
তোমালোকৰ মা দেউতালে মনত নপৰে নপৰে কিমান আছে টোটেল তোমাৰ কেতিয়াৰ পৰা আছা ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা তিনি বছৰ তোমাৰ হ'ল আৰু তোমাৰ দুবছৰ ভাল লাগে নে ইয়াত থাকি ভাল লাগে ন তোমাৰ 3 বছৰ হ'ল কি কি শিকায় ইয়াত এইবোৰ সব শিকায় ন আৰু পঢ়া লিখা ইয়াতে সব শিকায় মানে পঢ়াই লিখাই ক'ত আৰু বেলেগকৈ জেগা আছেনে ক'ত আছে অ'কে আগত অঁ তাত পঢ়াই আমি গোলাঘাটৰ তোমালোক ক'ৰ ঘৰ তোমাৰ লখিমপুৰ গহপুৰ আৰু নগাঁও ঠিক আছে বাৰু দিয়া দেই আপুনি ইয়াৰে নেকি কমলাবাৰী গাঁৱৰ অঁ শৰাই দিবলৈ আহিলে অঁ অঁ শৰাই আমি এনে ফুৰি ফুৰিহে আহিলোঁ এনেকৈ সেই দৰ্শন কৰিলোঁ বাৰু অঁ 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 ঠিক আছে দিয়ক অঁ तो गाइस जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात किए जो छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं यानी शिष्य यहाँ पे बहुत छोटे से आके पढ़ते हैं यहाँ पे ही रहते हैं यही एक्चुअली उनका घर बन जाता है यहाँ पे लर्निंग होता है पूरा एडुकेशन सिस्टम बना हुआ है उसके बाद जो आसामीज जो वाद्य यंत्र है जैसे कि ढोल खुल ताल दोबा ठीक है वो बजाना सिखाते हैं उसके बारे में और जानकारी देते हैं और हमारे जो असम के जो गुरु हैं शंकर श्री श्री शंकर देव और श्री श्री माधव देव वो लोग जो छोड़ के गए हैं जो हम लोगों का यानी कि जो कल्चर छोड़ के गए हैं उनको यहाँ पे पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से सिखाया जाता है पूरा लर्निंग मतलब व्यवस्था यहाँ पर है तो बहुत अच्छा लगता है सुकून एकदम शांत बहुत अच्छा लगा वो फीलिंग मैं आप लोगों को नहीं बता सकता यदि आप लोग आते हैं तो ज़रूर एक बार आवनी आती हॉट तो आइएगा यहाँ पे जो कीर्तन पढ़ता रहता है उसको सुनिएगा जो दोबा बजता है उसको सुनिएगा उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है तो बस एक बार पूरा कंपाउंड घूरते हैं और यहाँ पे है म्यूज़ियम है एक तो म्यूज़ियम में भी जाने की कोशिश करेंगे एक बार क्या है देखने के लिए ठीक है तो चलिए तो इस म्यूज़ियम में एंटर किए तो म्यूज़ियम में देखने के लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ें था जो कि हिस्टोरिकल यानी कि पुराना जो अहम किंगडम ने जो जहाँ पे खाना खाया था वो थाली है ठीक है साथ में और एक दो चीज़ें हैं तो अच्छा है देखने के लिए तो आज बस इतना ही और नहीं घूमेंगे क्योंकि पूरा थक गए हैं घूमने के लिए और ये ऑटो वाला भैया है जिसके साथ हम लोग आए थे और ये माजुली से ही है अरे कोई दियो कि बाकी माजुली बिखरे हाँ साहब जी माजुली से आए बहुत अच्छा चीज़ देखने के लिए आपका मौका मिलेगा वो पुराना पुराना चीज़ है माजुली में आप जरूर आएगा थैंक यू तो चलिए यहाँ का ही है ठीक है तो इन्होंने थोड़ा हम लोगों का गाइड जैसा कर दिया और क्या तो हम लोगों का भी सुविधा हो गया तो बस यहाँ से अभी चलते हैं घाट पे और घाट में जाके फेरी बुक करते हैं देखते हैं वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं लेकिन ऑफलाइन भी है शायद तो घाट में पहुँचने के बाद ही हम लोग टिकट करेंगे क्योंकि पता नहीं होगा हम यहाँ से यदि जाते जाते जो फेरी बुक किए हैं वो यदि चला जाता है तो प्रॉब्लम होगा इसीलिए हम लोग घाट पर जाके फेरी बुक करते हैं उसके बाद चलते हैं घाट बोलिए भूख लगी सिवली बहुत सारा भूख लगा है बहुत सारा भूख लगा है हम अभी 10-15 रोटी खाएंगे आज जन्माष्टमी है ना इसीलिए मांस मांस नहीं खाते निरामिष खाएंगे लेकिन बहुत सारा खाएंगे ठीक है है ये तो दिया सभी वासने सभी बदुर्जी के रास्ता विप्लवी राज द्वारे स्वाखाने स्वस्थी स्वबंध कोई दिया क्या है तो कोई दिया मुझे मीनिंग पता नहीं है तो गाइस ये है कमला घाट कमलाबाड़ी जो कि घाट है फेरी घाट तो बहुत सारा फेरी है यहाँ पे ठीक है बहुत सारा रुका हुआ है टिकट काउंटर ये वाला है तो हम लोग जाके अभी टिकट काट लेंगे और वो जो है देख पा रहे हैं वो 11:45 में था वो निमाटी घाट जा रहा है तो हम लोग 12:45 में जाएंगे एक घंटा देर से तो जाके टिकट का प्राइस जानते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं सो अभी टिकट के लिए जा रहा हूँ हाँ टिकट खत्म गया है सो गाइस हम लोगों का जो टिकट है वो बुक हो गया है हम लोग 7 पैसेंजर है तो 30 रुपीज़ से लेके मतलब 30 रुपीज़ करके लिया है 210 रुपया सो अभी चलते हैं फेरी एकदम डायरेक्ट फेरी में शायद फेरी लगा हुआ है
वहाँ पे जाके बैठते हैं। उसके बाद 12:45 में यहाँ से छोड़ेगा और लगभग टाइम कुछ दिया हुआ है, क्या देखता हूँ, 2:45 2:15 यानी कि 2:15 पे पहुँचेंगे। तो फेरी दिखाते हैं अभी आप लोगों को। सो गाइस, ये है फेरी, तो इसका अंदर का एक बार दिखा देते हैं। सो भाई, तो गाइस देखिए उधर से भी एक आ रहा है ये वाला, तो अभी ये जो पैसेंजर लाया है वहाँ पे ड्रॉप करेगा, करने के बाद फिर से ये एक घंटे के बाद फिर से निकल जाएगा। ये देखिए, तो ये जो अभी हम लोग जा रहे हैं ये भी क्या करेगा, हम लोगों को जैसे ड्रॉप करेगा फिर से वहाँ से जो पैसेंजर है वो लेके फिर से रिटर्न आ जाएगा। वैसे इसी चलता रहेगा और ये शायद 3 से 4 बजे तक ऐसे ही रहता है। हम लोग जो है निमाती घाट अभी पहुंच चुके हैं, वो रहा जो घाट है देखिए, और जो टिकट में जैसा टाइम दिया गया था यानी कि 12:45 में वहां से छोड़ा और यहां पे 2:15 जो कि टाइम देखिए अभी 10 हुआ है और 5 मिनट में वहां पे पहुंच जाएंगे। पूरा 2 घंटा लगा है हमें। सो और जान नहीं है, पूरा थक चुके हैं, तो ज़्यादा और वीडियो नहीं करेंगे, पहुँचते हैं और करते हैं वीडियो को ख़त्म।